यहीं रही फिल्म दंगल की छोटी बबीता। सुहानी भटनागर के चले जाने से पूरा बॉलीवुड मायूस हो गया। 19 साल की सुहानी का चले जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए झटका। आखिर सुहानी भटनागर के साथ हुआ क्या था? याद है आपको फिल्म दंगल की छोटी बबीता, सुहानी भटनागर, जिनके परफॉर्मेंस से बॉलीवुड में वो अपना नाम करने में सफल हो गई थी। बबीता फोगाट के बचपन का रोल निभाने पर उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली थी। वो छोटी बबीता फोगाट या फिर कहें दंगल गर्ल सुहानी भटनागर अब हम सबके बीच नहीं रही। जी, महज 19 साल की उम्र में सुहानी भटनागर इस दुनिया को अलविदा कह गई, जिससे पूरा बॉलीवुड क्षुब्ध हो गया है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मात्र 19 साल की एक लड़की को ऐसा क्या हुआ जो वो ये दुनिया से रुखसत हो गई। सुहानी के फैंस तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि खबरों की माने तो सुहानी की मौत की वजह उनके पूरे शरीर में फ्लूड का जमा होना बताया जा रहा है। दरअसल अभी कुछ वक्त पहले ही सुहानी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद से वो बेड पर ही थी। उस समय उन्होंने कई तरह की दवाइयां भी ली। इन्हीं दवाइयों के दुष्प्रभाव से सुहानी की मौत के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दवाइयां खाने की वजह से उनके शरीर में मौजूद तरल पदार्थ जमा होता चला गया। सुहानी पिछले काफी लंबे वक्त से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन अब सुहानी हम सबके बीच नहीं है। और बताया यही जा रहा है कि गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनकी जान चली गई। फिल्म दंगल में सुहानी भटनागर को छोटी बबीता का किरदार निभाते देखा गया था। आमिर खान, साक्षी तंवर और जायरा वसीम के साथ वो फिल्म में थी। अपनी परफॉर्मेंस के लिए सुहानी को खूब तारीफें मिली थी। फिल्म के बाद सुहानी को कई टीवी विज्ञापनों में भी देखा गया था। हालांकि कुछ वक्त के बाद सुहानी ने एक्टिंग छोड़कर पढ़ने लिखने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था। लेकिन किसे पता था कि एक दिन 19 साल की सुहानी कुछ ऐसे सबको छोड़कर चली जाएगी। सुहानी भटनागर के निधन पर आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से एक इंस्टाग्राम पोस्ट की गई है। पोस्ट में उन्होंने एक्टिंग के मामले में सुहानी को स्टार बताया है। ये भी कहा गया है कि एक्ट्रेस की मौत से प्रोडक्शन हाउस को झटका लगा है। सुहानी उनके लिए स्टार थी और हमेशा रहेंगी। आपको बता दें, नवंबर 2021 तक सुहानी भटनागर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर वो अपनी फोटोज शेयर किया करती थी, साथ ही कई मजेदार वीडियोस में भी उन्हें देखा गया है। इंस्टाग्राम पर सुहानी के करीब 30,000 फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब सुहानी की कहानी पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि सुहानी भटनागर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। हम सभी, हमारी पूरी टीम सुहानी भटनागर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है।